सारे भैन भाइयों सलाम होवे, जातकां बजुर्गां ते माइयां नूं सलाम होवे। नाज़रीन, तुसीं एक अखाण सुनिया होगा पंजाबी दा भी जान है ते जहान है। ये जान ते जहान जिहड़ा है ये उदों तक ही कायम दायम है जदों तक साडी जान च जान है। तुसीं जिस तरह जानते हो कि साडी जिहड़ी सेहत है, साडी जिहड़ी जान है, इहदे राखे जिहड़े ने उह डाक्टर ते नर्सां कमांदे हन। पर कुछ डॉक्टर ते नर्स अजिहे भी हैं जिहड़े अधवरते हैं, जिहड़े हाफ बॉयल्ड हैं, जिहड़े कच्चे भुन्ने हैं। वो सगों साडी जान की हिफाजत करने की बजाय साडे लई साडी जान का नुकसान का बायस बनते हैं। उन्हां तों बचण की खातर और चंगे जिहड़े डॉक्टर्स ने उन्हां दे कोलों जिहड़ा है इलाज कराउण की खातर, क्यों जो यूहन्नाबाद जिहड़ा है एक बहुत वड्डी मसीही बस्ती है, इत्थे इलाज दियां और खास तौर ते सस्ते इलाज दियां सहूलतां बहुत घट हैं। सो जिहड़ी केयर फार्मेसी वाले ने, शालूम फिजियोथेरेपी एंड स्पाइन सेंटर वाले ने और शालूम वेलफेयर क्लीनिक वाले ने एक कदम उठाया है बई जिहड़े साडी सेहत है उहदा ध्यान रख्या जाए। और उन्होंने की किया है बई इत्थे एक डॉक्टर दे कोलों फ्री चैकअप 30 रुपये की पर्ची का एक इलाज शुरू किया है। और एक जिहड़े माहिर डॉक्टर ने, जिहड़े अपने अपने काम के माहिर ने, वो इत्थे आ के ते चैक करिया करनगे और लोगों को वो दवाई दिया करनगे जिहड़ी उन्होंने लोड़ीदी है। खास तौर पर लोगों को स्टीरॉइड तो और जिहड़ियां फौरी इलाज दी दवाइया ने उन्हां तो बचाने की खातर उन्होंने ये कदम उठाया है। और वो की करते पे हैं आओ चल के वेखदे हां। नाज़रीन, जदों असी शालूम वेलफेयर जिहड़ी फाउंडेशन है जिहड़ा उहदे कम की गल करते हाँ, तो निरा यही नहीं है भी ये जिहड़ा साडी जिंद जान है, जिहड़ी साडी जिसम है, उन्हां दी हिफाजत जरूरी है। पर जिन्नी देर तक साडे नाल ओह जी जिन्हां ने साडे लई दुआवां लई हत्थ चुकदे हन और उन्हां दीआं दुआवां दे वसीले खुदा ओह तमाम बरकतां जिहड़ियां दिंदा है ओह उन्हां दी शुक्रगुजारी भी नाल नाल लोड़ीदी हुंदी है। और वो तमाम जिहड़े जी जिहड़े सानू अपनी दुआवां विच याद रखते हैं, नाल ही नाल सानू साडी जिस्मानी सेहत वास्ते भी जिहड़ियां हैं नसीहतां करते हैं, क्यों जो साडी फिक्र करते हैं, क्यों जो खुदा दे लोग जिहड़े ने बदन रूह ते जान हर एक शायद ही फिक्र करते हैं। इस तरह के ही एक वड्डी शख्सियत जनाब पादरी इरशाद अशकनाज साहब अज साडे नाल जुड़े हैं। तुसी फिक्र हो क्राइस्ट चर्च यूहन्नाबाद लाहौर दे, असीं इन्हां नाल गलबात करांगे कि अज दे प्रोग्राम दे बारे एक ही आखदे हैं जी। पादरी साहब जी, मैं कहना चाहना कि मिस्टर शहजाद जो हैं इन्होंने छोटे जे एक मेडिकल स्टोर तो शुरू किया और उस दौरान जो कि मैं ये इन्हें मेरे बाद शुरू किया जो मैं इत्थे आया और मैं देखिया कि इन्होंने बहुत सारे ये मतलब बोझ रखते हैं यूहन्नाबाद लई, क्योंकि मेडिकल स्टोर तो हट के इन्हें बहुत सारे कैंप्स किए ने, फिर सेव एंड सर्व दे प्लेटफॉर्म तो इन्होंने 143 कैंप किए ने और उसके अलावा फ्री मेडिकल कैंप बड़े किए ने। और उन्हां वास्ते मैं अपना कंपाउंड भी देंदा सा, मेरा कंपाउंड भी इस्तेमाल करते रहे ने। हाँ जी, तो असी हाजिर सा, हाले उस दिन भी आए ने मेरे दफ्तर से कहन लगे जी पादरी साहब तुहाड़ी फेवर की लोड़ है। तो मैं दस रहा हाँ अपने साथियों नूं कि ये साढ़े पड़ोसी ने, ये जदों सानू किसी काम लई आखणगे असी इन्हां नूं ना नहीं करदे। तो हुण जिहड़ा अज दा प्रोग्राम है इन्हां ने एक बड़ा अच्छा कीता है। मैं सोचना कि तुसी चले जाओ प्राइवेट डॉक्टरों को, तो उत्थों 2000 प्राइवेट हस्पतालों जाओ तो 1000 रुपया सिर्फ पर्ची दी प्या है, तो बाकी वो अलावा मतलब उन्होंने जी दवाई वो फिर उन्हें पैसों दे देनी है। लेकिन एक बहुत बड़ी सहूलत है यूहन्नाबाद, क्योंकि इत्थे ते लोग जी प्रॉपर दवाई है
ਡਾਕਟਰਸ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਗੇ ਔਰ 30 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਯੂਨਾਬਾਦ ਜੈਸਾ ਗਰੀਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥਰਾਪੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਯੂਨਾਬਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਗਿਫਟ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੀ ਬਾਬਰਕਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਨਾਬ ਪਾਦਰੀ ਫਰਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸਬਿਟੇਰੀਅਨ ਚਰਚ ਯੋਹੰਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਕਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬਲਕਿ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਭਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਫਰਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਵ ਐਂਡ ਸਰਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨਾ ਰਫਾਈ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਕ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮਸਰੂਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਬਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਆਖਰ ਖੂਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਮੰਦਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤੋ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਭਲਿਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੀਏ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਵਰਿਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨਾਲ ਰਲਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਸਟਿਨ ਜੋਰਜ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਹਨ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ
और खास तौर पर जेड़ा शालूम क्लिनिक है वो हवाले जिन्हें खिदमात ने शहजाद साहब ने असं जाने की करते हैं और किस तरह करते हैं। ठीक है, सारे ने पहले यूनाबाद के तमाम लोगों मैं समझना कि अज का दिन बहुत खूबसूरत दिन है और अज के दिन मैं मुबारक दिन कहंगा क्यों जे अज एक बहुत वड्डा काम यानी शालूम सेंटर का खुलना मैं समझना इंज ही है कि पहली कोशिश है, पहला एक कदम है, खूबसूरत कदम है जिहड़ा इत्थों दे लोकां लई शहजाद भाई ने उठाया और मैं समझना कि इन्हां दे कदम जिहड़ा सारयां नूं असीं इन्हां दे नाल बहुत सारी नेखाशात रखने हां, बड़ियां दुआवां ने सानूं इन्हां तों बड़ी तकवात भी ने ते मैं समझना कि ये इत्थों दे लोकां लई एक बहुत वड्डा जिहड़ा एक अपरचुनिटी है उन्हां लई कि इत्थे आण ते 30 रुपीज़ से तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं मिलता अजक तो 500 रुपया तो एक आम कंसल्टेंट की फीस है जिदे चे वो 500 तो स्टार्ट होंगे ने फिर हज़ारों से जाते हैं तो मैं समझना इस लोग इस वक्त इतने ये जड़ा कदम चुकया गया मैं समझना कि ये बहुत बड़ा कदम है और बहुत बहुत मुबारक सर। मैं समझना कि खुदावन ने तुहानू चुनिया है कि तुसी लोकां दी भलाई लई काम करो तो मैं समझना कि वो इवें दा कदम उही उठा सकता है जिहदे नाल खुदावन दीआं बहुत ज़्यादा बरकत ने, खुदावन दी ब्लैसिंग्स उहदे नाल ने ते वो इस नेक कदम नूं लै के अगे चल रहा ते लोकां दी फलाह बहबूद लई काम कर रहा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन तुसी पंजाबी दा एक मुहावरा है कि नीम हकीम ते खतरा जान ते नीम मुल्ला ते खतरा ईमान ते हकीम तो मुराद असी हमेशा जड़ा वो जड़ा सानू दवाई दारू करता है असी उन्हें समझते हाँ तो जेड़े साडे इस दौर दे दे हकीम हैं असी उन्होंने डॉक्टर आखते हाँ और जे डॉक्टर नू पूरा समझ होवे और पूरी अकल होवे और पूरा इलम होवे और नाल तजर्बा भी चंगा लम्मा होवे ते फिर बीमारी ना सिर्फ लभनी सौखी हो जाती है सगों का इलाज भी पूरा ते पूरा और कामिल हो जाता है। मैं अज तुहाडी मुलाकात जिहड़ी है वो शालूम जिहड़ा मैडिकल सेंटर है उन्हां दे जनरल प्रैक्टिशनर जनाब आमर हनीफ मुगल साहब जिहड़े कि डॉक्टर हैं और म्यो हॉस्पिटल और बाहर भी मुल्क तो अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। 30 साल हो गए हैं इन्हां नूं लोकां दी खिदमत करदिआं, लोकां दा इलाज मुआलजा करदिआं, लोकां दे दुख दर्द वंडदिआं और लोकां नूं उन्हां दी तकलीफां चों कढदिआं। इन्हां ने जिहड़ा शालूम मैडिकल क्लिनिक है क्यों ज्वाइन किया और की इन्हां दे जज्बात हैं, किस जज्बे दे नाल इन्हां ने 30 रुपईआं दी पर्ची दे उत्ते जिहड़ा है काम शुरू किया है असीं इन्हां दे नाल गलबात करांगे। जी डॉक्टर साहब, पहली गल तो यह है कि साडे शो च तुहानूं खुश आमदीद है और मेरा पहला सवाल तुहाडे नाल इह है भी तुसीं 30 रुपये वाली पर्ची ते क्यों आए, लोग तो 500 रुपये 1000 2000 5000 वाल वेंदे ने। बहुत शुक्रिया जी, तुसीं मौका दित्ता है कि सारी बातां दी जरा थोड़ी रोशनी डालीए। ये 30 रुपये वाली पर्ची जो है इस वक्त वक्त की जरूरत है क्योंकि महंगाई का दौर दौरा है, गरीब आदमी के वसों इलाज कराना तकरीबन नामुमकिन है और कम अज़ कम इस सहूलत मिल रही है इस इलाके लोगों और बहुत बड़ी एक ब्लैसिंग है खुदा दी और एरे पिछे यकीनन शहजाद साहब की एफर्ट है और उन्होंने आल क्रेडिट गोज टू शहजाद साहब जिन्होंने इन्नी एफर्ट करके अपने इलाके के लोगों वास्ते यह सारा अरेंजमेंट किया है तो अल्लाह ताला और भी उन्होंने हिम्मत दे क्योंकि इस काम में हाले और गुंजाइश मौजूद है, यह हाले बिगनिंग है तो यह शुरुआत जिहड़ी है आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। ये पहले एक छोटा जिहा एक मेडिकल स्टोर सी और इत्थे हुण देख लो कि पोली क्लीनिक की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है यानी इत्थे इत्थे मुख्तलिफ स्पैशलिटी के डॉक्टर्स जो ने हुण बैठनगे और अपनी अपनी यानी काबिलियत नाल आवाम नूं फायदा पहुँचाएंगे। ए प्योरली पब्लिक सर्विस बेस्ड लोगों की खिदमत करन वास्ते है सारा सिस्टम शुरू किया गया और बस अल्लाह ताला तो दुआ है कि सानू हिम्मत दे
खुदा 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 खुदावंद हिम्मत दे सानू कि असी यह काम नू अगे ले जा सकीए, क्योंकि यह काम हुण असी और वधाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इत्थे असी ब्लड टेस्ट की भी सहूलत लोगों उन्होंने घर ही यानी प्रोवाइड कर दी है, यानी लैबोरेटरी की सहूलत वास्ते लोगों नहीं दूर जाना पैंदा एक। लेकिन हाले अरे जिस तरह मैं तो पहले अर्ज किया कि तरक्की की गुंजाइश मौजूद है सारे सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल असी महसूस करने कि असी एक्सरे की भी फैसिलिटी इत्थे प्रोवाइड करिए कि जहानाबाद के लोगों को बाहर एक्सरे वास्ते भी ना जाना पवे, घर ही वह एक्सरे भी हो जाए। तो यह चंद बुनियादी सहूलत जिस तरह ECG है, एक्सरे है, यह चीज़ा इधर ही लोगों को मिल जान और इंतहाई सस्ते दामों मिलन के लोग महसूस करन के बई उन्हां दे नाल है ने उन्हां दी मदद करन वास्ते और औखे औखे वेले उन्हां दी हैल्प करन वास्ते लोग मौजूद ने। अच्छाई इंशाल्लाह बरकरार ही रहेगी साढ़े वालों और वधेगी इंशाल्लाह, बस तुहाडे तावन दी जरूरत है। डॉक्टर साहब जेड़ा मतलब मेरा बुनियादी सवाल है वो है कि आम तौर पर डॉक्टर जेड़े ने उस ज़्यादा इनकम वाले हॉस्पिटल्स या डॉक्टर जेड़े ने उस ज़्यादा इनकम वाली जगह पर अपना क्लीनिक या इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, तुसी क्यों नहीं सोचा जी? शुरू तो ही मेरा कभी भी यह मतमा नज़र रहा ही नहीं। मैं कमर्शलाइज ज़्यादा कमर्शलाइजेशन के फेवर च कभी रहा ही नहीं, क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है ही नहीं। ठीक है, जॉब तुसी कर रहे हो, अल्लाह ताला तुहानू हेल्प आउट कर रहा है, तो वक्त का कुछ हिस्सा यकीनन ऐसा इंसान नू लोकां वास्ते अपने लोकां वास्ते वक्फ जरूर करना चाहिए, क्योंकि आखरत और उरा भी इंसान नू ख्याल जेन च हर वक्त मरना चाह रहा नहीं है, जवाब दे होना है। तो बेहतर है कि अपने फ्यूचर का भी कोई इंसान नू सोचना चाहिए और लोगों की हेल्प जरूर जिनी हो सके उन्नी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन तुसी जानते हो कम वड्डा होवे या निक्का होवे, जे अगर कम करन वाले और कम दे विच हाथ वंडाण वाले जिहड़े हाथ ने वह वध जाण ते उन्हां हाथां दे विच हुनर भी होवे ते फिर वह कम जिहड़ा है वह खराब नहीं हुंदा, सगों दिनों ब दिन वह अपनी जान फड़दा जांदा है और वह कम जिहड़ा है वह वधदा जांदा है। साढ़े नाल एक मशहूर रेडियोग्राफर जनाब एलवन नैयर साहब जिहड़े ने वह जुड़े हैं, असी जाणांगे कि वह शालूम क्लीनिक दे नाल जुड़न की वजह सानूं दसणगे। सब तो पहले तो मैं शहजाद साहब नूं मुबारकबाद पेश करांगा इस अच्छे काम वास्ते जिहड़ा उन्होंने यहोनाबाद दे विच कीता है। यकीनन इहदे च कोई शक नहीं कि बहुत देर बाद होया, बहुत पहले होना चाहिए सी, क्योंकि इत्थे गवर्नमेंट की तरफों इस एडी वड्डी जिन्हों के असी एशिया की सब तो वड्डी क्रिश्चन आबादी कहने आ, ते गवर्नमेंट की तरफों इत्थे कोई भी बुनियादी सहूलत मुयसर नहीं है, ना इत्थे कोई डिस्पेंसरी है, ना इत्थे कोई स्कूल है, ना इत्थे कोई डाकखाना है, ना इत्थे कोई होर भी किसी तरह की भी कोई सहूलत मुयसर नहीं है। तो शहजाद साहब ने जिहड़ा इनिशिएटिव लिया हेल्थ केयर सर्विस का, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, क्योंकि इतने सब तो अज तो पहले सारे इतने क्वैक डॉक्टर ही काम कर रहे सन, जिन्हें भी इतने बैठे ने क्वैक ही बैठे ने, तो वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे सन जिस तरीके नाल भी कर रहे सन। लेकिन इतने कोई भी ऐसा कोई क्वालिफाइड डॉक्टर अज तक नहीं सी आया जिहड़ा इतने आके ते काम करे। तो शहजाद साहब काफ़ी देर तो इस स्ट्रगल सन, इस तो पहले भी एक दफ़ा इन्होंने मेरे नाल गल की कि जिस चाह रहे कि इतने कोई क्वालिफाइड डॉक्टर आवे, मैं भी इस कोशिश च सा कि सानू ऐसा कि वॉलंटियर लिए जो कि घट पैसों से आने लिए इतने राजी होए तो कि इतने डॉक्टर होना चाहिए। बहरहाल ये शहजाद साहब का बहुत अच्छा होया कि उन्होंने इस डॉक्टर साहब नाल राबता हो गया और डॉक्टर साहब वास्ते असीं बड़े शुक्रगुजार हाँ कि डॉक्टर साहब इतने आ के उन्होंने वॉलंटियरली खिदमत करन दा एक जज्बे दे नाल आए ने इतने काम शुरू किया है और मैं समझ एक बहुत अच्छा स्टैप हो गया यहोनाबाद के लोगों वास्ते कि इन्हां नूं एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सहूलत मयसर हो गई है। तो उस नाल जिहड़ा इन्होंने हेल्थ सेंटर ते इन्हां दा प्रोजेक्ट है सेव एंड सर्व ह्यूमैनिटी, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट
दा करे इन्हां दा जल्द अज जल्द मतलब भी जिहड़े बाकी इत्थे इस सेंटर च कमियां ने ओह भी पूरियां होन, क्योंकि अजे बहुत सारी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। तो एक बार फिर असी शहजाद साहब नू मुबारकबाद पेश करांगे कि शहजाद साहब बहुत बहुत मुबारक हो कि तुसी बहुत अच्छा काम किया, खुदा तुहानू बरकत दे और तुहाडे इस काम च नू अगे वधावे। बहुत शुक्रिया जी। साढ़े नाल एक नौजवान अबियल जफर साहब जिहड़े कि शहजाद साहब दे नाल मिलके सेव एंड सर्व जिहड़ी ह्यूमैनिटी है उहदे वास्ते काम करदे पए हन। एक ही काम है और ये नाल क्यों जुड़े हन, असी इहनां दे नाल गलबात करांगे। सबको मेरी तरफ से सलाम, और मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अबियल है और मेरा तलक एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से है, और इससे बढ़कर मेरा तलक अंकल शहजाद की फैमिली के साथ एंड सेव एंड सर्व ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफ़ी देर से है। और मैं आज यहाँ पर इसलिए मौजूद हूँ ताकि उनको इनक्रेज कर सकूँ और उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर सकूँ, ताकि जो उन्होंने एक कदम, एक नोबल कदम उठाया है, क्योंकि लोग काफ़ी चीज़ों का सोचते हैं, दुआएं भी करते हैं, लेकिन मेडिकल की तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। हाँ, दुआ के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है, मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है, और जो उन्होंने ये नोबल कदम उठाया, मैं उनके उनका शुक्रगुजार भी हूँ, क्योंकि यूनाबाद में मैं भी रहता हूँ, और बाकी लोगों के लिए उन्होंने ये सहूलियात मुहैया की हैं, और मैं उनको एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा। बेशक उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत के साथ खुदावंद के हजूर काम कर रहे हैं, और हमारा इन पे एक सबका ट्रस्ट भी है कि आज उन्होंने ये क्लिनिक ओपन किया है, और कल को उम्मीद के साथ और खुदावंद की बरकत के साथ वो यूहन्नाबाद में हॉस्पिटल भी बनाएंगे, और हम उनके साथ हैं। शुक्रिया जी। गल इंज है भाई, जिस कबीले दियाँ, जिस कौम दियाँ, जिस खानदान दियाँ धियाँ उस काम दे विच और जंग दे विच और उस जिहाद दे विच शामिल हो जाण, उन्होंने कभी हार नहीं होंगी है, क्यों जो रब की रहमत है धियाँ साढ़िया। और मैं समझना कि जे अगर उन्होंने धियाँ के हाथ हुनर भी हो तो फिर वो दो गुणा काम हो जाता है, दो आतशाह हो जाता है। तो असी अज साढ़े नाल शहजाद साहब के खानदान तो एक बच्ची जी है किरण जुलिएस्टर जी है खातून, वो साढ़े नाल जुड़े ने। असी इन्हों को पुछांगे भी ये काम की है, और तुहाडे घर भी इंजी है इन्हों का सलूक, मतलब कि लोगों घर के चानना तो आप नेरे विच। मेरी तरफों सारे भैनों भाइयों सलाम। मैं दसना चाहनी हाँ कि जिंज ही शहजाद भाई जड़े ने शहजाद भाई का जोड़ा रोल है वह क्रिश्चैनिटी वास्ते तो अपने लोगों वास्ते दर्द रखते हैं, इंसानियत वास्ते काम करते हैं, बिल्कुल इंज ही वो अपने घर एक बड़ा मुसबत रोल अदा करते हैं, अपने भैन भाइयों, अपने बच्चों के नाल, अपने बच्चे भैन भरावों के बच्चों नाल बहुत प्यार करते हैं, तो उन्होंने वास्ते एक मोरल सपोर्ट की हैसियत रखते हैं। वो जिते खड़े हो जाते हैं सानू फखर महसूस होंगे कि साढ़े नाल साढ़े रैलेटिव है ने, तो साढ़े वास्ते एक मोरल सपोर्ट की हैसियत रखते हैं। तुसी इत्थे की करो? मेरी कोशिश है वे कि एज ए स्टाफ नर्स मैं जो कैंप होंगे ने या जो भी कोई सैमीनार कोई प्रोग्राम होंगे तो इन्हों के नाल मिल के पेशेंट्स का बीपी चैक करना, उन्होंने स्लिप्स बनाना, उन्होंने नाल जो भी अपनी खिदमात दे सकनी हाँ, अपना टाइम देना, जरूर इस क्लीनिक पर आनी हाँ, तो इन्हों के नाल मिल के जड़ा ना वो काम करने की कोशिश करनी हाँ, ताकि साड़ी फैमिली ने अगर एक बेड़ा चुकया है, शहजाद मसीह ने अगर आ बेड़ा चुकया हो तो पूरी फैमिली उन्हों पाया तकमील तक पहुँचा सके। साड़ी पूरी जी फैमिली है वो इस दर्द रखती है कि यूहन्नाबाद के लोगों वास्ते असी मेडिकल तो रिलेटेड हाँ तो कुछ कर सकी, असी जानने हाँ ताकि लोगों ने भी दस सकी। बहुत शुक्रिया। नाजरीन तुसी डॉक्टर साहब की हमने थोड़ी देर पहलों डॉक्टर अमर मुगल साहब की गलबात सुनी है, लेकिन क्यों जो जड़ा शहजाद साहब का जड़ा एक शालूम क्लीनिक है, एक जिस तरह उन्होंने पहले भी दसिया कि एक पोली क्लीनिक की शक्ल इख्तियार करता जाता है, तुसी जानते हो बई अज जड़ा है साढ़े नाल होर बहुत सारे मसाइल के नाल नाल साढ़े इत्थे जोड़ां दे और पट्ठियां दे और इस तरह के होर जिहड़े मसाइल हैं जिहड़े बाज़ुकात बगैर दवाई दे और बाज़ुकात दवाई दे नाल थोड़ी बहुत एक्सरसाइज दे नाल ही ठीक हो सकते हैं, जिस तरह तुसी जानते हो फालिज दे जिहड़े मर्ज़ ने, जिस तरह जोड़ां दे मर्ज़ ने, जिस तरह पट्ठे खिंचे जाण दे मर्ज़ ने, जिस तरह होर बहुत सारे ने, उहदे विच इक खास किस्म दा डॉक्टर जिहड़ा है वो ही काम आता है, और उन्होंने कहते हैं फिजियोथैरेपिस्ट।
फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब होंदा है जिहड़ा बगैर दवाई दे जिस्मानी ही उहदी ताकत जिहड़ी है उन्हूं ही यूटिलाइज करके उन्हूं इस्तेमाल करके उन्हूं शिफा दे दाने तक उन्हूं शिफा दे बूहे तक पहुँचा सके। साढ़े नाल अज एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर इरम जावेद साहब आ जिहड़े ने उह इत्थे शालूम क्लीनिक दे नाल जुड़े ने। असीं जाणांगे बई इह कदों कदों और किस तरह इत्थे मौजूद होण करनगे और की करनगे। मेरा नाम इरम जावेद है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मुझे यहाँ पे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट रखा गया है और मैंने अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करनी है और स्पेशली जो हमारी क्रिश्चियन सोसाइटी है उसके लिए। और जो मेरी टाइमिंग है वो 5 PM to 7 PM है। इस ड्यूरिंग मैं जो अपनी जो मेडिकल सर्विसेज वो प्रोवाइड करूँगी पेशेंट्स को और मेरी कोशिश ये है कि उनकी जो भी मसल्स पेन है, जॉइंट्स पेन है या जिस तरह का भी जो डिस्कम्फर्ट है वो दूर हो जाए मेरी मेडिकल प्रैक्टिसिंग से। बहुत शुक्रिया। साढ़े नाल शहजाद साहब के घर का एक रोशन चिराग शीजा शहजाद जड़े ने वह जुड़े ने, यह उन्होंने धी है और नाल ही नाल साड़ी भी, तो असं इन्होंने को पुछांगे भाई शालूम क्लीनिक तुम की करना। मैं सबसे पहले तो एक सपोर्ट देती हूँ अपने घर में, ठीक है, जब माम पापा घर आते हैं तो उनका ख्याल रखती हूँ, उनके साथ रहती हूँ क्योंकि यहाँ से वो बहुत थक के जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आ तो नहीं सकती लेकिन मैं बैक पे उनको सपोर्ट करती हूँ। आप कौन सी क्लास में? मैंने अभी इंटर के एग्जाम्स दिए हैं, सेकंड ईयर। तुसी जिंदे रहो तो और रब तुहाडे नाल होए और तुहाडे जज्बे नूं, तुहाडे वालदां नूं, तुहाडे वालद नूं, तुहाडी वालदा नूं असीं मुबारकबाद पेश करने हैं क्यों जो तुसी अपने बच्चों की अजि तरबियत की है बई वह तुहाडे नाल मिल के तो खिदमत कर भी रहे हैं और आइंदा भी करन लई तैयार हैं। शीजा सी तुहाडे बहुत शुक्रगुजार हाँ, तुसी जिंदे रहो, खुश रहो।